दोस्तों कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बात की जाए इस समय प्राची की, तो प्राची और रणबीर को एक करने के लिए इस समय बोलती हुई नजर आने वाली है जो कि खुशी बोलती हुई नजर आएगी सहाना से कि आखिर मैं ऐसा क्या करूँ जो मेरे मॉम डैड एक हो जाएं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अपने मॉम डैड को एक करने के लिए खुशी इस समय पूरी तरीका से बोल रही है। वहीं दोस्तों अब कहानी में एक भयंकर ट्विस्ट आने वाला है जब आलिया रिया से बोलती हुई नजर आने वाली है कि रिया तूने तो मुझे छोड़ दिया था लेकिन मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अच्छी हो, तुम्हारे साथ में बुरा हो रहा है लेकिन मैं अपने होते हुए तुम्हारे साथ में बुरा नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सभी लोग कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति में बराबर ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि किसी ने इस समय सोचा भी नहीं होगा कि कुछ इस तरीका से देखने को मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि इस समय की बड़ी खबर मिल रही है, और बड़ी खबर भी थोड़ी गनी नहीं बल्कि बहुत ही टेस्टी खबर मिल रही है। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से रणबीर बोलता हुआ नजर आ रहा है प्राची से कि प्राची हम ऐसे कर सकते हैं कि अपने गिले से कुएं को भूलकर हम एक बार फिर से स्टार्टिंग कर सकते हैं अपनी लाइफ की। और बाकी में दोस्तों ये एक रियलिटी भी है, क्योंकि अपनी लाइफ की स्टार्टिंग करने के लिए आखिरकार रणबीर करने जा रहा है बहुत अच्छी शुरुआत, वो भी प्राची के साथ में। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सभी लोग कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति में नज़र आ रहे हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट भरा एपिसोड देखने को मिलने वाला है जब खुद इस चीज़ को बोलते हुए नज़र आने वाले हैं रणबीर कि आज से हम, मैं और प्राची एक होते हैं। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के पुनः निवेदन करना चाहूँगा गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए गाइज कैसी लग रही है मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।